गाइज वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाउस स्पेशल व्लॉग। आज हम बनाएंगे गुजिया। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बहुत लजीजदार और बहुत टेस्टी हुई है। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बिल्कुल करंची है। चलिए आज हम आपको अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। चलिए हम बनाते हैं गुजिया। गुजिया के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। आपको और बनाना तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने थोड़े से 2 चम्मच तेल डालेंगे। आपको बटर पसंद है तो बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मैश करना है। जब हमारे मैदे आपस में जुड़ने लगे, आपको नमक पसंद है आप थोड़े से नमक डाल सकते हैं, हमने नमक नहीं डाला है। आप देख सकते हैं तब तक रफ करना जब तक हमारे मैदे आपस में जुड़ने ना लगे। आप देख सकते हैं जुड़ने लगे हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसके डो तैयार कर लेंगे। डो को बिल्कुल सख्त करना है, ज़्यादा मुलायम नहीं करना, नहीं तो गुजिया फ्राई करते वक्त हमारी गुजिया में बबल्स आ जाएंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं हमने रख दिया है। अब हम इसकी स्टेफनी तैयार कर लेते हैं। हमने काजू बादाम किशमिश पिस्ते और थोड़ा गरी के बूरा लिया है। आपको पसंद है तो जो भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब हमने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल को गरम कर लिया। अब इसको हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। हमने गरी के बूरे और किशमिश को रोस्ट नहीं करा है, 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो रहे हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़े ही देर तक करना है। वह हम इसको निकाल लेंगे। एक फ्राई पैन में हमने तेल को गरम कर लिया है। हमने 2 चम्मच तेल लिया। आपको बटर पसंद है बटर भी डाल सकते हैं। अब हम 2 कप इसमें सूजी डालेंगे। इसको अच्छे से भूनना है सूजी को। अब हम इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का ही रखना है। आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से भूनना है। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी नीचे से चिपक जाएगी स्टेफनी। आप देख सकते हैं अब इसमें हम 1.5 कप शक्कर डालेंगे। आपको शक्कर और चाहिए तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको भी 2 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। आपको दूध पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमने दूध डाला है। आपके पास मलाई हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से भून गया 2 मिनट तक। अब इसमें हम थोड़े से खोए डालेंगे। आपको खोया पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। खोए डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है गुजिए का। अब इसको भी हम 2 मिनट तक अच्छे से खोए के साथ भून लेंगे। आप देख सकते हैं अब हम जो ड्राई फ्रूट को ड्राई किया था, अब उसको हम बारीक पीस लेंगे। अब उसको हम डाल देंगे। थोड़े हमने काजू बादाम थोड़ा सा ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है पिस्ते को। अब हम इसको सारे ड्राई फ्रूट को उसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको भी भून लिया है। इसको ऐसे चलाकर भूनना है, नहीं तो आपस में ये नीचे स्टेफनी चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऊपर से डाल देंगे। हमने थोड़े ही इलायची पाउडर डाले, 1/2 चम्मच से कम लिएंगे। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमने थोड़े ही लिए हैं। इससे गुजिए की टेस्ट और खुशबू और अच्छी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं इसको भी हम 1 मिनट के तक ऐसे ही भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्टेफनी बिल्कुल तैयार हो गई है, एकदम ऐसी ही टेस्टी हो गई है। अब हम इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं हमने ठंडे होने के लिए रख दिया है। अब हम जो आटे का डो तैयार करे थे मैदे का, अब वो देख लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा हुआ है, इसको सख्त ही रहना है। आप देख सकते हैं पतले नहीं करना, नहीं तो गुजिया तलते वक्त तो ऊपर से बबल आ जाएंगे।
आप देख सकते हैं हमने इसके पेड़े बना लिए छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे ही पेड़े बनाने हैं जैसे रोटी का। हमने रोटी की तरह इसको बेल लिया है, ऊपर से सूखे मैदे भी डाल लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने स्टफनी तैयार करा था वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम ट्रे चूल्हा की मदद से इसको रोटी उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। आप देख सकते हैं अब हम पानी लेंगे, उसके साइड साइड से पानी लगाएंगे। पानी लगाने से इसको अच्छे से चिपक जाएंगे, नहीं तो हमारे स्टफनी तेल में बाहर निकल जाएगी फ्राई करते वक्त। आप देख सकते हैं जो हमने स्टफनी तैयार करी थी अब उसको हम डाल देंगे। ऐसे डालकर इसको अच्छे से प्रेस करके बंद करना है, बिल्कुल घुस करना है। जो भी एक्स्ट्रा मैदे थे हम इसको अब हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको ऐसे ही निकाला है। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बिल्कुल गुजिया बन गई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। आपको जो भी पसंद आप अपने हिसाब से, जैसी डिज़ाइन पसंद है आपको अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं डिज़ाइन। हमने इसकी मदद से ऐसे करके बनाया है। अब हम दूसरी भी ऐसे ही करके बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको भी साइड साइड से ऐसे पानी लगाया है। अब इसमें भी स्टेफनी ऐसे डालेंगे। स्टेफनी जितना ज़्यादा अच्छी रहेगी, जितना ज़्यादा डालेंगे उतने ही इसकी टेस्ट और अच्छा आएगा और अच्छे से भी ऊपर से खूब अच्छे दिखेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। इसको भी हम ऊपर से जो एक्स्ट्रा लेयर्स थे उसको हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बनी है। इसी तरह हम सारे गुजिया को बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी गुजिया बनके तैयार है, बिल्कुल सारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनी है। चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, हम एक एक करके सब उसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसा कलर हमको चाहिए इसे थोड़े पहले निकालेंगे, ठंडे होने पर ये अच्छे से कलर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने अब इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमने एकदम करंची हुई है, हमने सारी गुजिया को ऐसे निकाल ली, हमारी गुजिया बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं अंदर से भी एकदम परफेक्ट हो गई है। किस किस को ये गुजिया पसंद है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।